टाइटल है कहानी कलयुग की। तो इस तरह है, राहों में कांटे बिछे हुए, आरंभ अंत तक खींचे हुए, है मार्ग नहीं आसान तेरा, मैं अस्वीकार से खींचे हुए। मतलब से हैं सब खड़े हुए, तुझे छोड़कर सब आगे बढ़े हुए, ये कलयुग है मेरे दोस्त, यहाँ राम से बड़े रावण हुए। पैसा पैसा सब रटे हुए, धर्म जाति के नाम पर सब बटे हुए, पैसा पैसा सब रटे हुए, धर्म जाति के नाम पर सब बटे हुए, देखा जो तेरा वक्त बुरा, सब दूर दूर हैं हटे हुए। अब पाप के बादल घने हुए, अपराधी हैं सब बने हुए, अब पाप के बादल घने हुए, अपराधी हैं सब बने हुए, जिन हाथों में खेल खिलौने थे, वो हाथ हैं खून से सने हुए, ये कलयुग है मेरे दोस्त, अब राम से बड़े रावण हुए। और जो मेरी दूसरी पोएम है, ये एक्चुअली किसी और ने लिखी हुई है, नाम है उनका गौरव त्रिपाठी, तो ये मेरी फेवरेट पोएम्स में से है, तो मैं ये शुरू करूँगा। टाइटल है श्री राम अदालत में। जो बहा था खून उसके दूर तक छीटे गए, आज कल अदालत में श्री राम घसीटे गए। जज ने कहा, हे प्रभु, हमको क्षमा है चाहिए, आप नामजद हुए, कृपया कटघरे में आइए। अल्लाह नदारद है थे, जबकि उनको भी सम्मन गए, ये सुन के राम जी कटघरे में तन गए। राम बोले, मैं हिंदू मुस्लिम दोनों के ही साथ हूँ, मैं ही अल्लाह, मैं ही नानक, मैं ही अयोध्या नाथ हूँ। त्रेता युग में जिस लिए मैंने लिया अवतार था, देखता हूँ तो लगता है कि सब बेकार था। केवट और सबरी के बहाने भेदभाव को तोड़ा था, तुमको समझाने की खातिर मैंने सीता तक को छोड़ा था। मेरे मंदिर के लिए जब तुम थे रथ पर चढ़ रहे, देश के कोने में कश्मीरी पंडित थे मर रहे, फिर मेरी सौगंध खा के काम ऐसा कर गए, मेरे लिए ही दंगे हुए और मेरे ही बच्चे मर गए। खैर, अब भी है समय, भूल अपनी पाट दो, जन्म भूमि पर घर बनाओ और गरीबों में बांट दो। ऐसा करना है मैं कहता हूँ, परम पूज्य का काज है, न्याय अहिंसा परमार्थ और प्रेम, यही तो राम राज्य। तब बीच में बोला किसी ने, जब था वो उकता गया, ये रामचंद्र का वेश बना के कौन मुसलमान आ गया। बस इतना ऐसा कहना था कि भैया ऐसा हल्ला मच गया, जो एंड टाइम पर कट लिया, मानो वही था बच गया। फिर राम भक्तों के हाथों राम जी पीटे गए, जो बहाता खून उसका दूर तक छीटे गए। थैंक यू।